नमस्कार, मैं एस के राजीव और आप देख रहे हैं News 22 Scope। और दरअसल में इस वक्त हम पटना स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश भी मौजूद है और हम बात करेंगे बिहार के दिन भर की राजनीतिक खबरों पर और यह आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो खबरें होती है उन खबरों में जो सबसे प्रमुख खबर है बिहार की वो क्या है। देखिए, दरअसल में आज यूं तो कई खबरें हैं। नीट के मामलों को अगर आप देखेंगे तो एम्स में 4 डॉक्टरों को पकड़ा गया है जिससे कि गहन पूछताछ की जा रही है, उनके कमरों को सील कर दिया गया है। और चूंकि नीट का मामला जो है वो कहीं ना कहीं से नेशन वाइड है, राष्ट्रव्यापी वो मुद्दा है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वह यह है कि सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह पटना के दौरे पर थे और पटना में 5-स्टार होटल ताज में आज देश के 50 टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उनकी बैठक हुई है और एक आशा उन्होंने मीडिया कर्मियों को बंधाया है उस बैठक के बाद कि अब बिहार में उद्योगों का एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा समूह जो है वो आ रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ पर लोगों के पास कमी नहीं होगी रोजगार की और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यानी कि जो पलायन का दंश बिहार लगातार झेल रहा है उससे अब बिहार कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वह है कि आज बीजेपी में आरजेडी के कई नेता शामिल हुए हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर के उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। इसके अलावा बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें कि 27 कुल एजेंडों पर जो है वो मुहर लगाई गई है। और इन सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वह है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्योंकि नीतीश कुमार की यूएसपी रही है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर। जब 2005 में वो लालू प्रसाद यादव को सत्ता से अपदस्थ कर जब वो सत्ता में आए थे 2005 में, तो 2005 से लेकर के 2010 तक नीतीश कुमार की यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर ही रही थी। और यही वजह है कि 2010 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय मात्र 22 सीटों पर जो है वो विपक्ष को समेट दिया गया था, जबकि बिहार में विधानसभा का जो कुल स्ट्रेंथ है वो 243 है। तो आप अंदाजा लगाइए कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर किस तरीके से नीतीश कुमार को या फिर एनडीए गवर्नमेंट को लोगों ने वोट किया था। लेकिन वही लॉ एंड ऑर्डर अब लगातार चरमराता हुआ बिहार में दिख रहा है और यही वजह है कि पिछले आज से 4 दिन पहले यानी कि 72 घंटे पहले जो है वो मुकेश सहनी, जो जीतन सहनी जिनके पिता हैं, उनकी हत्या दरभंगा में उनके घर में की जाती है और उसके बाद पूरा विपक्ष जो है वो नीतीश सरकार पर हमलावर हो जाता है। फिर अंततः नीतीश कुमार को मर्डर केस का जो है वो उद्भेदन आपके द्वारा किया जाना चाहिए और पुलिस 24 घंटे के भीतर जो उसमें आरोपी थी उसको पकड़ भी लेती है। हालांकि मुकेश सहनी की तरफ से यह कहा गया कि नहीं भाई, जिसको पकड़ा गया है वो जो एक्यूज्ड है उसके साथ और भी 3 लोग जो है वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। और इन सब के बीच नीतीश कुमार अंततः आज एक बड़ी बैठक लंबे समय बाद, मुझे लग रहा है कि जो इंडी गवर्नमेंट थी पिछले दफे जो इंडी गवर्नमेंट थी जिसके साथ की नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सत्ता में थे और उसके बाद फिर एनडीए के साथ सत्ता में आए, तो लगभग 2-3 साल बाद 2.5 साल बाद जो है वो डीजीपी और पुलिस अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई। बैठक में यह कहा गया था कि 1990 से लेकर के 2005 तक का जो क्राइम का जो पूरा ग्राफ है उस ग्राफ के साथ और 2005 से लेकर के जो 2024 तक का जो क्राइम का ग्राफ है उस ग्राफ के साथ जो है वो मीटिंग में तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और जो होम डिपार्टमेंट के जो बिहार होम डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है अरविंदर प्रसाद सिंह वो भी उस बैठक में मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। तो ये आज दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं वो उन खबरों से आपको हम लोगों ने आपको मैंने अवगत कराया।